लौटेंगे आपके पास। लेकिन पीयूष पारे, जिन्होंने कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के बड़े नेता और इसके साथ ही मध्यप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, उनसे खास बातचीत की, सुनिए। होता है, हमने हर इलेक्शन में देखा है, और अब लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ प्रेडिक्शन, क्या आंकड़े हैं कैलाश जी के दिमाग में? देखिए, 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आएगी, 400 के आसपास सीट हमारी सारे देश में आएगी, और मुझे लगता है कि रेकॉर्ड टूटेगा इस बार देश। इंदौर को लेकर क्या कुछ आप सोच रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैं 10 लाख से ज्यादा से जीतेंगे शंकर जी। नोटा को कोई असर तो नहीं हो रहा है कांग्रेस? कोई नोटा वोटा का असर नहीं है, और नोटा का प्रचार करने वाले 4 तारीख के बाद लोटा लेके कहीं जाएंगे। चलिए, आशा विजयवर्गीय जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्या कुछ संदेश दे रही हैं आप? मेरा पूरे इंदौर वासियों से अपील है कि आप सभी अपने वोट का प्रयोग करें, मत डालने जरूर जाएं, और हमारे अपने माननीय मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री। चलिए, परिवार के साथ में यहाँ पर सीधे तौर पर कैलाश जी यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे और कह रहे हैं कि 29 सीटें मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी जीतेगी, बहुत कॉन्फिडेंट वे कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जितेंद्र के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। बिल्कुल जया, आप देखिए कि कैलाश जी बड़े कॉन्फिडेंट है और वो